यहाँ पे एक हल्की सी सील होती है, उसकी वजह से पूरा ऑयल लीक हो रहा है। सुबह से हुई है रात और इधर उठोना हमारे साथ गोलगप्पे वाले भैया। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया हो गए? और आप सोच रहे हो नितिन भाई पंखे के पास क्यों? हाँ गाइस, लेटर रहूंगा अभी थोड़ी देर में, अपना फ्यूचर देख लिया मैंने, डार्क में बहुत ज्यादा अंधेरा आगे, बट ऐसा नहीं करना, हिम्मत नहीं आ रही, बहुत कुछ होता जिंदगी में, आगे बढ़ते चलना है। फिलहाल अभी हम भी आगे बढ़ते हैं, ये थोड़े नोट्स फुलफिल करवाने जाना है और दो तीन काम है, आप देखते रहो, बाकी बने रहो व्लॉग में, काफी मजा आने वाला है, दिन काफी तगड़ा होने वाला है। सो पहले ब्रेकफास्ट करके चलते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। ठीक है चलो जी, ये काम हो गया। अगर आपको नोट्स शॉर्टकट करने है ना, ये यूनिवर्सिटी रोड और ये general.com स्टार्टिंग में ही है, यहाँ से आप करा सकते हो यार, बढ़िया रेट पे कर देते हैं। एड्रेस देख लो अपना बग्गा बीस्ट। और इसमें ना यार पता नहीं दो दिन से क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ पे ना इंजन ऑयल बड़ा ज़्यादा लीक हो रहा है उसका, तो मुझे लग रहा है इसको सील तोड़ दी मैंने। ये देखो पूरा ऑयली ऑयली लीक हो रहा है, यहाँ पे गिर भी रहा था थोड़ा थोड़ा, अब साइड भी खड़ा किया मैंने, तो एक बार इसको चेक कराऊंगा जाके क्या सिस्टम है यार। और ये मिरर भी सेट करवाने यार, ये देखना ये वाला खुल जाता है, ये वाला खुलता ही नहीं है। देख लो यहाँ पे एक हल्की सी सील होती है, उसकी वजह से पूरा ऑयल लीक हो रहा है, छोटी सी चीज़ से ना पूरी देखो इतनी तबाही हो जाती है बाइक की ना। अभी सही है, सही टाइम पे टरवा ली तो पूरा ऑयल खत्म हो जाता है इसके अंदर, फिर इंजन पे इफेक्ट पड़ता है। फाइनली गाइस बाइक का काम हो गया, अभी आपको यहाँ पे ऑयल दिख रहा होगा बट ये पुराने वाला है, अभी इसको साफ कराएंगे जाके। बाकी यही कराना था, मेन यही था क्योंकि ना ऑयल गिरता हुआ बाइक से बिल्कुल सही नहीं लगता, अजीब से लगती है बाइक बड़ी देखने में भी ना, और पुरानी पॉइंट से लगती है। बाकी सारा काम सेट है, बाइक अपनी पूरी चमक रही है। और हाँ ये थे मेन, पता नहीं यार जिस बंदे से लड़वाए थे ना उसने उल्टे लगा दिए थे, तो ये वाला शीशा तो खुल जाता था बट ये वाला नहीं खुलता था, तो अब ये फाइनली एक सेकेंड खुल रहा है भाई, अब देख लो तो शीशा खोल के कुछ ऐसा लगता है। अभी तो फिलहाल मैं बंद ही रखूँगा, खुले उतने सही लगते मुझे ये। बाकी अपना काम हो गया, नोट्स भी मैं ले आया हूँ, अब एक बार घर चलते हैं। और यहाँ पर फ्रूट वाले अंकल दिख रहे हैं पीछे, तो फ्रूट भी ले लेते हैं घर के लिए, है ना। लेट हो गया हूँ, लंच भी करना है, मम्मा वेट कर रहे होंगे, तो फिलहाल घर चलते हैं आपको, बाकी ऐसे इस बात में दिखते हैं। और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैसे मेरा खुले हुए ना भाई साहब, आज बाइक बुल ठीक कराने में और नोट्स नोट्स में हाथ उठाले हुए थे, अभी थोड़ा मौसू धो के शक्ल ठीक हुई है, पता नहीं बाकी आपने देखी होगी। और अभी घर पहुँच चुके हैं, ये देखो जी हाय मिस्टर हाका, खाना लगा दो फटाफट। ठीक है ये औरत पूरा दिन कुछ तो सोती रहती है, कोई काम करके आया उसको ये नहीं जल्दी जल्दी खाना दे दूँ, बस जब भी कोई आएंगे ना लाइव यहाँ से कपड़े निकालेंगे अलमारी से यहाँ सेट करने लग जाएंगे, मैं तो काम कर रही हूँ बहुत ज्यादा। अभी खाना खाते हैं, तो गालियाँ तो इतनी गंदी गंदी निकालते हैं ना ये मैं व्लॉग में डाल नहीं सकता गाइस, मुझे ना व्लॉग काटना पड़ता, फिर आप कहते हो व्लॉग नहीं आ रहा, वो आया कहाँ से, सिर्फ गालियाँ होती हैं उसकी मम्मी की, बेचारे पापा तो देख लो घर छोड़ के चले गए हैं, दिख नहीं रहे कहीं भी, कह रहे मैं नहीं रह सकता इतनी टॉक्सिसिटी के साथ। मम्मा आप इतनी टॉक्सिक क्यों हो यार? मम्मा कह रही इतनी इल्जाम क्यों लगा रहा मेरे पे, मम्मा मेरे पे भी ऐसी लग रही है यार, सॉरी किससे तो बदला लेना बनता है, ये सॉरी चलूंगा बदला, क्यों किया मुझे इस दुनिया में पैदा, खुद तो आगे पैदा हो गया इस दुनिया में, मुझे भी कर दिया कह तू भी आ, अच्छा वाला था ऊपर कहीं किसी स्वर्ग में किसी अप्सरा के साथ बैठा हुआ कर दिया पैदा, कह रही चलो भाई आओ लगाओ दिहाड़ियाँ रोज। अच्छा मम्मा कि इंसान का जन्म एक ही बार मिलता, दूसरी बार मुझे चाहिए भी नहीं, बेकार है भैया मैं तो टूट गया, खाना दे दो फटाफट, जिंदगी में लड़की बनना, लड़की बनने का फायदा तो है वैसे देखो जो मर्जी है, क्यों कुछ नहीं करना, कोई पढ़ाई लिखाई करो तो भी एक बात है, ना करो तो भी एक बात है, शादी करके जाके झाड़ू पहुंचाई तो मारना है, मुझे इस बात पे केस में हो जाए मेरे पे, सॉरी गाइस मुझे माफ कर दो, मेरी ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है, माँ कसम मम्मी मम्मी भड़काती है मुझे, कह रही लड़कियों का काम ही होता है झाड़ू पहुंचा मारना। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, नहीं किया ना लाइक शेयर सब्सक्राइब, अभी तक देख रहे हो ना बिना सब्सक्राइब किए और बिना लाइक किए वीडियो, कोई बात नहीं पाप चल रहे हैं अलग से सजा मिलेगी इस नरक में भी, शेयर कर दो फटाफट से, मेंशन कर देना मुझे। कोई तरीका है भीख मांगने का? सुबह से हुई है रात और इधर उठोना है हमारे साथ गोलगप्पे वाले भैया, एक डबल करके देना, गोलगप्पे खाने आए मम्मी के साथ, कह रही भैया लगा दो पूरी रेडी लगा दो एक बार, लो भाई गोलगप्पे खा लो, ढूंढो ढूंढो शाबाश, मेरी दूसरी माँ भी ढूंढो, ऑमलेट बना दो फटाफट, ओह मम्मा यार मैंने क्या किया, पापा नहीं कर रहे काम, पापा अपना टाइम काम से नहीं करते, उस वजह से मेरा ऑमलेट रह जाता है, बना दो यार बुला रहे हैं वो, ढूंढो उसमें, चलो शाबाश काम पे लग जाओ फटाफट, आज ही सारे स्विच ठीक कर दो बिजली वाले। ओहो मेरी हेलमेट गाइस, एक ना मेरे को गिफ्ट में फोटो मिली है, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, ऐसा लग गया कि कोई किसी यादगार में वो मेमोरी वाली फोटो होती है ना वैसी, ये देखो भाई ऐसा लग रहा है कि तीन चार साल पहले भाई जा चुके हैं दुनिया से।
गुस्से में हमारी उंगलियां भी कट सकती हैं गाइस। गुस्सा बस इतनी सी बात है कि मम्मी ने कहा दूध गर्म कर दो, पापा ने किया नहीं, बस चलो जी। ये किसी को समझ नहीं आएगा, ये फायदा होगा भाई। ट्रांसलेट भी कर दिया बड़े जल्दी भाई। मेरा रीतक फिर भी बेचारा दूध गर्म करता है। अरे एक आपने रीतक को घड़ी बिठा देता ना, काम कर देता हूँ। क्यों भेजा तू चंडीगढ़? रीतक वो है हमारा चपरासी। आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, छोटा सा हंसी मजाक, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ तो चल रहा है बस घर में। अभी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और रोज ब्लॉग देखने का तो बता दो, नहीं तो फिर हफ्ते फिर चल रहा है अपना सिस्टम कंटेंट के साथ ही, वैसे ही या फिर घर वाले ब्लॉग भी देखने, पर घर वाले ब्लॉग बनाने का मेरे को ज्यादा मजा आता है। उठा दो डब्बा निकाल दो, ढूंढो उधर फटाफट सामान जल्दी से, आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है उधर आधे घंटे से।